such that this plus I plus j plus 3kx, this y and this z is equals to this. सही है ना? तो आपको इसमें लैम्डा की पॉसिबल वैल्यू बतानी है. अब ध्यान से देखिएगा, आई के साथ अगर आप कॉमन करोगे तो क्या बनेगा बताओ. बोलिए, एक्स प्लस थ्री वाई माइनस फोर जेड माइनस लैम्डा एक्स आएगा कि नहीं बताओ. जे कैप के साथ कॉमन करोगे तो क्या आएगा बोलो. एक्स माइनस थ्री वाई प्लस फाइव जेड और माइनस लैम्डा वाई आएगा कि नहीं बताओ. के कैप के साथ कॉमन करोगे तो क्या आएगा, थ्री एक्स प्लस वाई और माइनस लैम्डा जेड आएगा कि नहीं, चेक करके बताओ बोलो. अच्छा, हम जानते हैं कि आई कैप जे कैप एंड के कैप कैसे होते हैं बताओ बोलो, कैसे होते हैं भाई है? कैसे होते हैं याद है? आई कैप जे कैप कैसे होते हैं भाई? लीनियरली इंडिपेंडेंट तो होते हैं कि नहीं? लीनियरली इंडिपेंडेंट बोलो, याद आया कि नहीं भाई? तो अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं तो इसका मतलब ये सारे कोफिशिएंट क्या होंगे, क्या होंगे? जीरो. जैसे इसको जीरो करोगे तो x इंटू वन माइनस लैम्डा प्लस थ्री वाई माइनस फोर जेड इज जीरो. एक्स माइनस थ्री वाई के साथ क्या क्या कॉमन आएगा बोलो. x माइनस वाई कॉमन करेंगे तो थ्री प्लस लैम्डा, देख लो सब लोग, फाइव जेड इज इक्वल टू जीरो. और थ्री एक्स प्लस वाई माइनस लैम्डा जेड इक्वल टू जीरो होगा, हाँ या ना? अच्छा, क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि एक्स वाई जेड नॉन जीरो है, क्या ये होमोजीनियस सिस्टम है बोलो? और एक्स वाई जेड का नॉन जीरो सोल्यूशन होने का मतलब इनफाइनाइटली मैनी एक्स वाई जेड होंगे कि नहीं बोलो? और इनफाइनाइटली मैनी एक्स वाई जेड कब होंगे? डेल्टा इक्वल्स टू जीरो, बस डेल्टा उठा के जीरो कर दीजिए. जैसे ही डेल्टा जीरो करोगे तो क्या आपको लैम्डा की पॉसिबल वैल्यू मिल जाएगी? बोलिए भाई, क्या ये बात आप सभी को समझ में आ रही है? बताइए, इसी को सॉल्व करके हम क्या निकाल लेंगे बताओ? क्या है मेरी पूरी बात सबको समझ में आई ये बताओ पहले. बोलिए भाई. यस सर. मुझे समझ में आया कि नहीं, लैम्डा कैसे निकालोगे, ये बात क्लियर हुई सबको? बताओ. बोलिए, अब यहां से आराम से इसको सॉल्व करके आप लैम्डा की वैल्यू निकाल लोगे कि नहीं ये बताओ. यहाँ आराम से आप इसको सॉल्व करके लैम्डा की वैल्यू निकाल लोगे कि नहीं? लॉजिक क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइए, हो जाएगा ना? यस सर. सॉल्व कर लेंगे, लैम्डा आ जाएगा. आगे बढ़े हम लोग. हमने ये कहा कि अगर तीन वेक्टर आपको दिए हुए हैं और वो कोप्लेनर है तो वो लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं. तो a1 b1 c1 a2 b2 c2 और a3 b3 c3 से बनने वाला डिटरमिनेंट जीरो होगा. क्यों? कि भाई अगर ये तीन वेक्टर कोप्लेनर हैं या लीनियरली डिपेंडेंट है तो उनके बीच में एक ऐसा लीनियर रिलेशन लैम्डा म्यू डेल्टा के लिए लाई करेगा जिसमें लैम्डा म्यू डेल्टा एक साथ जीरो नहीं होंगे. यही तो हमने पढ़ा था ना, लीनियरली डिपेंडेंट की डेफिनेशन. अच्छा, अगर हम आई कैप जे कैप और के कैप एक साथ लें तो आई कैप के साथ जे कैप के साथ और के कैप के साथ कोफिशिएंट आएगा, ये जीरो है. और हमें पता है आई कैप जे कैप के कैप तो लीनियरली इनडिपेंडेंट होते ही हैं, तो इसका मतलब ये तीनों कोफिशिएंट ऑलवेज जीरो होंगे. अच्छा, ये लैम्डा म्यू डेल्टा में होमोजीनियस सिस्टम है, लैम्डा म्यू डेल्टा की वैल्यू एक साथ जीरो हो नहीं सकती, तो इसका मतलब यूनिक सोल्यूशन आ नहीं सकता. यानी कि इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन आएंगे. इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन कब आएंगे? जब डेल्टा जीरो होगा. डेल्टा मतलब सेम डिटरमिनेंट. तो बार बार ये प्रोसेस आप नहीं यूज करेंगे, हम हर बार ये प्रोसेस यूज करेंगे. अगर तीन वेक्टर हमें दिए हैं और वो कोप्लेनर या लीनियरली डिपेंडेंट हैं तो सीधा ये डेल्टा उठा के आप क्या कर देंगे? जी, क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? ये बताओ बोलो भाई, क्लियर है? अगर ऐसे आई जे के में कोई रिलेशन दिया होगा है कि नहीं बोलो, तो आई कैप जे कैप के कैप का कोफिशिएंट बना लेंगे. और वो अगर जीरो के बराबर है तो इसका मतलब आई कैप जे कैप और के कैप का जो कोफिशिएंट होगा वो हमेशा जीरो होगा. क्यों? क्योंकि आई कैप जे कैप के कैप हमेशा क्या होते हैं? लीनियरली इंडिपेंडेंट. तो वहां से
एक्स वाई जेड की वैल्यू अगर जीरो के इक्वल नहीं हो सकती है तो इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन की कंडीशन लगा के जो भी कॉन्स्टेंट चाहिए वो आप निकाल देंगे। तो क्या लीनियरली डिपेंडेंट और इनडिपेंडेंट वाली कंडीशन कैसे यूज होंगी ये समझ में आया कि नहीं? इससे ज्यादा यूज नहीं होगा, बोलो भाई कर लेंगे कि नहीं अब यूज? जैसे अब ये क्वेश्चन देखिए, जैसे अब ये क्वेश्चन आया, देखो ये तीन वेक्टर आपके सामने दिए और लीनियरली डिपेंडेंट है और वेक्टर जो सी है उसका मॉड रूट थ्री दिया हुआ है, तो आपसे अल्फा और बीटा की वैल्यू पूछी गई। तो अभी आपने पढ़ा अगर वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट है तो कंडीशन क्या होती है, 1 1 1 4 3 4, बोलो भाई, और 1 अल्फा बीटा, ये डिटर्मिनेंट कितना होगा, जीरो होगा कि नहीं? और चूंकि वेक्टर सी का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना होगा, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, वो दिया रूट थ्री। यही दोनों इक्वेशन बनेंगे, इन्हीं को सॉल्व करके हमें क्या निकाल लेना बताओ, अल्फा एंड बीटा। तो पहले इक्वेशन आराम से ओपन कर लेते हैं हम लोग, बोलो समझ में आ रहा है क्या करना है बताओ। तो यहां से क्या आएगा, माइनस बीटा प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो क्या बीटा की वैल्यू वन आ रही है, चेक करियो जरा, अरे हाँ है ना। और अगर बीटा वन आ रहा है तो 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 3 होगा, तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू 1, अल्फा की वैल्यू प्लस माइनस हो जाएगी, अल्फा आ रहा है प्लस माइनस 1 और बीटा आ रहा है 1, डी आंसर हो गया। दिखा सकते हो कि नहीं बताओ भाई? यस सर। ये लीनियरली डिपेंडेंट वाली कंडीशन समझ में आई कि नहीं आई? सीधा ये डेल्टा उठा के जीरो कर दिया जो इसके कोफिशिएंट से बन रहा था, बताइए भाई क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट सबको, बताइए गुड। अगला वाला ये देखो, तीन वेक्टर कोप्लेनर है, क्या करोगे बोलिए, याद है कंडीशन क्या होती, सीधा वो डेल्टा बना के उसको क्या कर देंगे, जीरो के बराबर, जीरो माइनस लैम्डा स्क्वायर 1 1 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर 1 1 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर, क्या ये वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी बताओ, जीरो। इसको तो सॉल्व कर लोगे बताओ? यस सर। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, सीधा ओपन कर दें ऐसा, बोलो, या एक काम करो सर, रो वन प्लस रो टू प्लस रो थ्री कर सकते हैं पहले, आर वन को आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री से रिप्लेस कर दो, यही चाह रहे होगे ना, तो ये आ जाएगा 2 माइनस लैम्डा स्क्वायर 2 माइनस लैम्डा स्क्वायर 2 माइनस लैम्डा स्क्वायर, बोलो भाई 1 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर 1 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर, यही आएगा कि नहीं बताओ। अब यहाँ से 2 माइनस लैम्डा स्क्वायर कर लो कॉमन, तो दो रियल वैल्यू तो आई गई प्लस माइनस वाली, बोलो बाकी वैल्यू क्या बच रही, 1 1 1 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर 1 1 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर। अब चाहो तो डायरेक्ट भी ओपन कर सकते हो, बोलो अब चाहो तो डायरेक्ट भी ओपन कर सकते हो, कर लोगे कि नहीं अब बताओ, आगे मैं करूं सॉल्व हो जाएगा आप? यस सर हो जाएगा, है ना। इसी को अगर आप ओपन करोगे तो ये आएगा लैम्डा की पावर 4 माइनस 1 और माइनस माइनस लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 और प्लस 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो लैम्डा की पावर 4 माइनस 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 और प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 है कि नहीं बताओ, 1 और 1 कैंसिल हो गया तो ये 0 हो गया और ये आ गया 2 माइनस लैम्डा स्क्वायर, तो क्या ये 2 माइनस लैम्डा स्क्वायर आ गया और ये लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर आ गया, चेक करिए जरा, तो कितनी रियल वैल्यू आ रही है बोलो, 2 डिस्टिंक्ट रियल वैल्यू आ रही है कि नहीं बताओ सब लोग? यस सर। हाँ या ना, कोई कंफ्यूजन बताइए, समझ गए कि नहीं भाई? तो अब ये कोप्लेनर और लीनियरली डिपेंडेंट को कैसे यूज करना है, ये बात समझ में आ रही है सबको कि नहीं बताओ? वेरी गुड, यस सर। ये क्वेश्चन आया हुआ है 2019, आपको सॉल्व करके मुझे बताना है। डिस्टिंक्ट वैल्यू ऑफ सम ऑफ डिस्टिंक्ट रियल वैल्यू ऑफ म्यू फॉर विच दिस इक्वेशन, मतलब दीज थ्री वैक्टर्स आर कोप्लेनर। एक मिनट का टाइम है, जल्दी सॉल्व करके बताओ। कितने रियल रूट आ रहे हैं, 2 3 1 सर, जो पूरा डिटरमिनेंट सॉल्व किया है इसी को कॉमन कर लेते हैं, क्या कहते हो? एक रूट तो म्यू प्लस टू सीधा दिख ही रहा है, बाकी ओपन कर दें डायरेक्ट,
तो म्यू स्क्वायर माइनस वन और माइनस म्यू माइनस वन और प्लस वन माइनस म्यू इज जीरो, तो म्यू प्लस टू तो यहीं से आ गया और यहां से आ रहा है आपका म्यू स्क्वायर माइनस वन माइनस म्यू प्लस वन और वन माइनस म्यू। बोलो तो एक वन हटा दो तो क्या ये म्यू माइनस वन का होल स्क्वायर आ रहा है, बताओ। बोलो, और ये शायद म्यू प्लस टू आ रहा है ऐसा, तो म्यू की वैल्यू एक तो टू आ रही है और बाकी क्या आ रही है, बोलो। एक माइनस टू आ रही है, टू और वन, दूसरी वन, वन आ रही है। सम ऑफ डिस्टिंक्ट रियल वैल्यूज ऑफ म्यू, तो इसका मतलब माइनस टू प्लस वन करोगे तो आंसर माइनस वन आ जाएगा, यही है ना। यस सर, यही है। समझ गया तरीका, अब इस तरह की कोई भी सिचुएशन आएगी तो आराम से आप उसको डील कर लेंगे कि नहीं, बताइए। चलिए yes, आगे बात करने जा रहे हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स की। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स, ठीक है ना। तो अब डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड क्या क्या थ्योरी बन सकती है और क्या क्या कॉन्सेप्ट है उनका डिस्कशन करेंगे। पहली थ्योरी में तो सिंपल है, अगर दो वेक्टर ए और बी हैं तो जो उनका डॉट प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, ए डॉट बी मॉड ए मॉड बी और कॉस थीटा, जहां पे मॉड ए मॉड बी उनका मैग्नीट्यूड हो गया, थीटा क्या हो गया, एंगल बिटवीन दी वेक्टर्स। थीटा क्या होगा, एंगल बिटवीन दी वेक्टर्स। अच्छा, एंगल बिटवीन दी वेक्टर्स में क्या होता है कि अगर ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है तो दोनों वेक्टर सेम इनिशियल पॉइंट से या तो अंदर आने चाहिए या बाहर जाने चाहिए, तो जो उनके बीच का एंगल बनता है उसे हम थीटा कहते हैं। समझ में आया कि नहीं, ये वाला एंगल थीटा कंसीडर होता है, मतलब दोनों वेक्टर सेम इनिशियल पॉइंट से या तो बाहर जाने चाहिए या सेम इनिशियल पॉइंट के अंदर आने चाहिए, तो जो उनके बीच का एंगल बनता है उसे हम थीटा कहते हैं, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा, ये वैक्टर ए है सपोज, है ना, और ये वैक्टर बी है, तो ये एंगल आप थीटा नहीं लोगे, मेरी बात समझी। उस केस में एंगल थीटा क्या लोगे, ये जब ऐसे बाहर की तरफ जा रहा होगा तब ये एंगल जो बनेगा उसे हम थीटा लेंगे, मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं, बोलो। तो ए डॉट बी का मतलब हो गया मॉड ए मॉड बी इंटू कॉस थीटा, कोई कंफ्यूजन हो इस बात से तो बताइए, बोलो। अच्छा, ए डॉट बी से तो सिंपल सी बात होगी, अब थीटा के हिसाब से अगर आप चलो तो थीटा अगर जीरो डिग्री है तो इसका मतलब बोथ वेक्टर्स आर पैरेलल, बोलो। बोथ वेक्टर्स आर पैरेलल हुए कि नहीं, तो इसका मतलब उस केस में ए डॉट बी की वैल्यू मॉड ए मॉड बी के बराबर आएगी कि नहीं, बताओ, क्योंकि कॉस जीरो कितना हो जाएगा, वन। समझ गए होंगे सब लोग, हाँ या ना। तो अगर ए डॉट बी देखें तो वो मॉड ए मॉड बी के बराबर होगा क्योंकि थीटा केस में क्या हो गया, जीरो। यहां से ही हम ये चीज समझ सकते हैं कि अगर टू इक्वल वेक्टर्स हैं, टू इक्वल वेक्टर्स हैं, तो इसका मतलब ए डॉट ए जो है वो क्या होता है, बोलो, दैट इज मॉड ए का स्क्वायर, बोलो, होता है कि नहीं होता है। तो अगर हमें दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेना है तो ये दोनों इक्वल हैं, तो ए डॉट ए का मतलब हो गया उनके मॉडुलस का होल स्क्वायर। ये बात सबको समझ में आ रही है कि नहीं, तो बताओ आई कैप डॉट आई कैप कितना होगा, वन, क्योंकि यूनिट वेक्टर है ना। जे कैप डॉट जे कैप वन, के कैप डॉट के कैप भी वन। ये बात सबको समझ में आ रही होगी, कोई कंफ्यूजन इसमें होना नहीं चाहिए, मेरी बात समझी। दो इक्वल वेक्टर को डॉट लेंगे तो उनके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होगा, उनके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मतलब दोनों वेक्टर का, दो इक्वल वेक्टर का डॉट। अच्छा, अब आते हैं अगले में। थीटा की वैल्यू अब जीरो से ग्रेटर होती है और 90 से अभी लेस रह रही है, यानी थीटा कैसा एंगल है, बोलिए, एक्यूट एंगल है, थीटा इज एक्यूट। तो अगर किसी क्वेश्चन में लिखा है कि दो वेक्टर के बीच का एंगल एक्यूट है तो ऑब्वियसली कॉस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होगी। अच्छा, ए डॉट बी हमेशा ए मॉड ए और मॉड बी, यानी डिटरमिनेंट सॉरी मॉडुलस तो हमेशा पॉजिटिव होता ही है, तो उस केस में ए डॉट बी कैसा होगा, पॉजिटिव। तो अगर आपसे क्वेश्चन में ये कहा गया है कि थीटा एंगल कैसा है भाई, एक्यूट है, तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा आपको सिर्फ पॉजिटिव कर देना है,
क्या ये बात आपको समझ में आई बताइए, बोलिए यहाँ तक का एनालिसिस क्लियर हो रहा है कि नहीं? Yes, sir. जैसे ही थीटा 90 हुआ मतलब बोथ वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, मतलब ए एंड बी आर परपेंडिकुलर वेक्टर, जैसे ही थीटा कैसा हुआ 90 हुआ तो इसका मतलब ए और बी कैसे वेक्टर हो गए बताओ, परपेंडिकुलर हो गए कि नहीं हुए? तो जो कॉस 90 हो गया वो जीरो हो गया, तो उस केस में डॉट प्रोडक्ट कितना आ जाएगा ए का, जीरो। यानी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर जीरो है तो इसका मतलब बोलो दो नॉन जीरो वेक्टर्स का अगर डॉट प्रोडक्ट जीरो है तो दोनों वेक्टर कैसे हैं? परपेंडिकुलर है सर इधर। और अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? जीरो। सर जीरो होगा सर। बस तो उसमें सीधा आपको जीरो वाली कंडीशन उठा के लगा देंगे। इसके बाद जैसे एंगल 90 से बढ़ेगा तो ये ऑक्टिव्स हो जाएगा कि नहीं बताओ, हाँ या ना? तब जो है एंगल बिटवीन वेक्टर्स कैसा है भाई, इज ऑक्टिव्स, बोलो भाई। तो जैसे ऑक्टिव्स होगा तो अब जो कॉस थीटा की वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी, यानी उस केस में इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? लेस देन जीरो। अगर उनके बीच का एंगल ऑक्टिव्स है तो उनका डॉट प्रोडक्ट आपको क्या कर देना है? लेस देन जीरो। डन। और लास्ट केस अगर ये 180 डिग्री हुआ तो आपने पढ़ा ही है बोथ वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल होंगे कि नहीं, बोलो बोथ वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल, मतलब पैरेलल तो होंगे बट उनकी डायरेक्शन अलग अलग होगी। तो उस केस में जो a डॉट b की वैल्यू होगी वो होगी मॉड a मॉड b इंटू कॉस 180, मतलब माइनस ऑब्वियस। पूरा एंगल के हिसाब से खेल समझ में आ गया कि नहीं बताओ, अलग अलग एंगल्स पे क्या क्या रिजल्ट पॉसिबल है और अलग अलग एंगल्स पे हम क्या कंडीशन कैसे यूज करेंगे, ये बात आपको समझ में आ गई सबको कि नहीं? 180 से आप बड़ा एंगल ले नहीं सकते, तो यहाँ पर थीटा की जो भी वैल्यू होगी वो हमेशा 0 से 180 के बीच में ही रहेगी, ये ध्यान रखिएगा। उससे आगे आप नहीं जा सकते क्योंकि फिर तो घूम के वही सेम वेक्टर उसी डायरेक्शन में आने लगेगा। तो अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल ऑब्ट्यूज है तो उनका डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव कर दीजिएगा, परपेंडिकुलर है तो जीरो कर दीजिएगा, और अगर एक्यूट है तो पॉजिटिव कर दीजिएगा। बस ये सिंपल कंडीशन आप लगाएंगे डॉट प्रोडक्ट के हिसाब से। क्या ये बात सबको समझ में आ गई बताइए? इसीलिए यहाँ पर अगर हम देखें आई डॉट जे लोगे या जे डॉट के लोगे या k डॉट i लोगे, ये सब कुछ क्या होगा? क्योंकि वेक्टर्स कैसे हैं, ये यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्लियर हुआ बताओ? यहां तक कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बोलो, डन है? अब इसके बाद अगर मैं डॉट प्रोडक्ट पे और आगे चलूं और आगे अगर इसकी एनालिसिस करूं तो भाई अभी आपने मुझसे कहा कि a वेक्टर जो है अगर वो है a1i plus b1j plus c1k और b वेक्टर जो है वो है b1i plus b2j plus c2k, तो a डॉट b का मतलब क्या होगा? a1 b1 c1 a2 b2 c2 ले लो, हाँ इसको ले लो a2 b2 और c2, समझ रहे हो? तो जैसे आप इनका डॉट लोगे तो क्या आ जाएगा, a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2, देख लो भाई ध्यान से, हाँ या ना? बोलिए मेरी बात समझ में आ रही होगी सबको, क्या कहते हो तुम लोग? a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 होगा कि नहीं दोनों का डॉट बताओ, आराम से आप डॉट प्रोडक्ट निकाल लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं। अच्छा, इसके बाद अगर दो वेक्टर आपको दिए हैं और आपको निकालना है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी इज थीटा, तो आप सीधा कॉस थीटा का रिजल्ट क्या लगा देंगे? दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड। अगर इसी केस में आप करोगे तो क्या लिखोगे, a1 a2 b1 b2 c1 c2, और डिवाइडेड बाय पहले का मैग्नीट्यूड क्या होगा, a1 square b1 square c1 square, और दूसरे का मैग्नीट्यूड a2 square b2 square plus c2 square। क्या ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं बताओ?
तो अगर दो वेक्टर आपको दिए और उनके बीच का एंगल निकालना है तो ए डॉट बी आराम से निकाल लोगे कि नहीं, बोलो। अच्छा, इसके बाद तीसरी बात आई, अगर हमको मॉड ऑफ ए प्लस बी चाहिए, तो अगर हम मॉड ऑफ ए प्लस बी की बात करें तो अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो ये बन जाएगा ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी। अभी आपने पढ़ा था, दो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर दो इक्वल वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट के बराबर होता है। इसका मतलब ए डॉट ए मॉड ए स्क्वायर, ए डॉट बी मॉड बी स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ऑफ ए डॉट बी होगा कि नहीं? अरे हाँ या ना। तो इसका मतलब सेम एज अगर हम ए माइनस बी का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर माइनस टू टाइम्स ऑफ ए डॉट बी होगा कि नहीं, बताओ, बोलो। इसका मतलब ए प्लस बी के वेक्टर का स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का स्क्वायर टू टाइम्स ऑफ मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर आएगा कि नहीं, बोलो। क्या ये रिजल्ट समझ में आता है सबको, बताओ? अरे हाँ या ना, बोलिए भाई। यहां तक कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो मुझे बता सकते हो तुरंत, बोलो। इस एनालिसिस में कोई डाउट या कंफ्यूजन आ रहा हो तो बोलो जल्दी से, आराम से सिंपलीफाई कर लेंगे कि नहीं। अच्छा, अब ये जो ए प्लस बी ए माइनस बी का रिजल्ट मैंने लिखा, ये इसके लिए लिखा है। सपोज आपको एक पैरेललोग्राम बना के दे दे, सपोज आपको एक पैरेललोग्राम बना के दे दे और फिर आपसे कहे कि इसके जो साइड वो है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, सही है ना, और उनके बीच का एंगल जो है वो थीटा है। तो आपसे पूछे लेंथ ऑफ डायगनल्स क्या होगा, तो एक डायगनल आपने पढ़ा है ना क्या होता है, ए प्लस बी, सही है ना, और वो आप क्या निकालेंगे, ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ऑफ ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा, याद आ रहा है कि नहीं आपको, बताओ। और दूसरा डायगनल लेंथ ए माइनस बी माइनस ए पढ़ा है आपने, याद होगा आपको, बताओ। तो उसकी भी लेंथ सेम आप निकाल लेंगे कि नहीं, क्योंकि आपको ए वेक्टर पता है तो ए का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर पता है बी का मैग्नीट्यूड, माइनस टू टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी इनटू कॉस थीटा। क्या है पूरी चीज, आप सभी को समझ में आ रही है कि नहीं? अगर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी एडजेसेंट साइड वेक्टर्स हैं, बोलो, बोलिए भाई, समझ गए कि नहीं, बोलो, और उनके बीच का एंगल थीटा है, तो आप ये काम ऐसे कर सकते हैं कि नहीं? तो इसका यूज जो है आप यहाँ आराम से लेंथ ऑफ डायगनल निकालने में कर लेंगे। वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर एडजेसेंट साइड वेक्टर्स ऑफ अ पैरेललोग्राम विद एंगल थीटा, तो लेंथ ऑफ डायगनल, ये वाला डायगनल लेंथ ए प्लस बी, ये वाला डायगनल लेंथ मॉड ऑफ ए माइनस बी। सीधा आप ए प्लस बी ए माइनस बी अभी आपने ऊपर देखा ही डॉट प्रोडक्ट के हेल्प से, तो इसको आप आराम से निकाल लेंगे। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, इसके बाद डॉट प्रोडक्ट का आखिरी सिग्निफिकेंस आता है, दैट इज ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। अब ध्यान से देखिएगा, आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि ए डॉट बी का मतलब होता है मॉड ए मॉड बी इंटू कॉस थीटा, समझ में आया? अब अगर आप ध्यान से देखो तो सपोज ये वेक्टर आपके सामने ए है, दिख रहा है कि नहीं? अच्छा, ये सपोज वेक्टर बी है, अब ध्यान से सारी चीजें समझिएगा, ये सपोज वेक्टर बी है, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। तो अगर हम वेक्टर बी का वेक्टर ए की डायरेक्शन में प्रोजेक्शन लें, क्या लें भाई, प्रोजेक्शन लें, तो प्रोजेक्शन जो लेंथ होगी वो इतनी तो होगी यहां से लेके यहां तक, ये बात समझ पा रहे हैं सब लोग कि नहीं? अच्छा, अगर ये एंगल हम थीटा कह दें और ये पूरी लेंथ वेक्टर की हम मॉड बी कह दें, तो ये वाली लेंथ कितनी होगी यहां से लेके यहां तक, मॉड बी कॉस थीटा होगी कि नहीं होगी, बताओ, हाँ या ना। अच्छा, यही सेम काम अगर हम इस वेक्टर से करते हैं, यहां से इस पे प्रोजेक्शन डाल देते, बोलो, तो इस केस में प्रोजेक्शन की जो लेंथ आती वो सिर्फ इतनी आती, आती कि नहीं आती? अब इस पूरे वेक्टर की अगर आप लेंथ देखते तो वो मॉड ए थी, इसकी प्रोजेक्शन लेंथ क्या आ जाती, मॉड ए कॉस थीटा, आती कि नहीं आती ये बताओ। तो इसका मतलब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उस वेक्टर का दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में प्रोजेक्शन, देखो, हाँ या ना, या इसी को आप लिख दो मॉड बी और मॉड ए कॉस थीटा, ये ज्योमेट्रिकली चीजें समझ में आई कि नहीं आई? तो ए का मैग्नीट्यूड और बी का ए की डायरेक्शन में प्रोजेक्शन, बोलो,
या फिर बी का मैग्नीट्यूड और ए का बी की डायरेक्शन में प्रोजेक्शन। तो एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले रहे हैं और दूसरे का उसी वेक्टर की डायरेक्शन में प्रोजेक्शन ले रहे हैं। बोलो भाई, यानी कि क्या कर रहे हो? प्रोडक्ट ऑफ मॉडुलस या मैग्नीट्यूड of one vector and projection of other vector in the direction of first vector. मेरी बात समझ पाए सब लोग? तो उसी product को हम क्या कहते हैं? Dot product of two. तो ज्योमेट्रिकली डॉट प्रोडक्ट का क्या सिग्निफिकेंस है, सबको समझ में आया? बताइए, बोलिए जल्दी से, ज्योमेट्रिकली डॉट प्रोडक्ट का क्या सिग्निफिकेंस है, समझ में आया आपको? एक वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालना हो दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में, सही है ना? मतलब तीन रिजल्ट है इसमें। पहला, प्रोजेक्शन ऑफ ए, ठीक है, अलोंग बी, मतलब ए का बी के अलोंग प्रोजेक्शन, तो वो होता है ए डॉट बी बाई मॉड बी। कहीं कहीं ये वेक्टर ए डॉट बी कैप भी लिखा होता है, ठीक है ना? सिंपल सा थॉट था, इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं था एक्चुअली। ए का बी के अलोंग प्रोजेक्शन आपको निकालना है। बोलो, सपोज ये रहा बी वेक्टर, ये रहा ए वेक्टर, और हमें ए का प्रोजेक्शन बी के अलोंग निकालना है। तो प्रोजेक्शन में हमें प्रोजेक्शन लेंथ ही तो निकालनी है, बताओ। तो अगर आपने अभी थोड़ी देर पहले मुझसे कहा था कि ये वाली प्रोजेक्शन लेंथ होगी और ये लेंथ कितनी होगी, सोचो, ये लेंथ होगी मॉड ए कॉस थीटा। बोलो, अगर ये एंगल थीटा है तो, अरे हाँ या ना? अच्छा, दो वेक्टर अगर आपको दिए हुए हैं तो उनके बीच का एंगल थीटा जो है वो ए डॉट बी बाई मॉड ए मॉड बी होता है। तो जो प्रोजेक्शन आएगा वो है मॉड ए कॉस थीटा। जैसे आप cos थीटा की वैल्यू रखोगे तो a डॉट b बाई मॉड b बचेगा। अच्छा, b बाई मॉड b को आप b कैप बोल ही सकते हो, तो वो a डॉट b कैप आ जाएगा। दिख रहा है कि नहीं? तो अगर a का b की डायरेक्शन में प्रोजेक्शन निकालना है, किसी भी एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में प्रोजेक्शन निकालना है, तो a डॉट b कैप कर दो या a डॉट b बाई मॉड b कर दो। ये बात समझ में आ गई, बताओ? अच्छा, आप इसी में हम कहें कि हमें चाहिए प्रोजेक्शन वेक्टर of A along B, मतलब A का B के along projection vector चाहिए। अच्छा, अगर हमें किसी vector का magnitude और direction पता है तो हम vector लिख सकते हैं कि नहीं? तो projection vector क्या होगा भाई? इसका magnitude हो गया A dot B by mod B और इसकी direction हो गई B cap। अरे हाँ या ना? इसी को कई books में ऐसे भी लिखा मिल जाएगा, A dot B by mod B का square into B vector। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं भाई? बोलो, ये हो गई इसकी प्रोजेक्शन मैग्नीट्यूड और इसके अलोंग डायरेक्शन वेक्टर देखोगे तो बी कैप हो जाएगा। तो बस ए प्रोजेक्शन मतलब मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन, तो आपको प्रोजेक्शन वेक्टर मिल जाएगा। अरे हाँ या ना? अच्छा, तीसरी चीज यहीं पे पूछी जा सकती है कि परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ ए ऑन बी, परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ ए ऑन बी, मतलब ए का बी पर परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन वेक्टर क्या होगा? तो ऑब्वियसली अब जरा ध्यान से ऑब्जर्व करिए, परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन को कैसे देख रहे हैं ये देख लो। सपोज ये वेक्टर बी था, ये वेक्टर ए था, ठीक है? तो आपने इसका परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन वेक्टर बोला तो वो ये वाला वेक्टर हो गया दिस, सही है ना? तो ऑब्वियसली हम ये वेक्टर तो निकाल चुके हैं ना, ये वाला, हाँ या ना? अगर हम इस वेक्टर को, इतने वेक्टर को डी कह दें, तो अभी आपने डी वेक्टर निकाला था ना, दैट इज ए डॉट बी बाई मॉड बी का होल स्क्वायर इनटू बी वेक्टर, याद आया? हाँ या ना? तो अगर हम अब परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन वेक्टर की बात करेंगे, परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन वेक्टर की बात करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, बताओ? बोलिए, अब अगर आप परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन वेक्टर की बात करेंगे तो क्या आएगा? टोटल ए वेक्टर में से यही डी वेक्टर माइनस कर दें भाई, डी वेक्टर प्लस
दिस वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर, तो अगर ए वेक्टर में डी वेक्टर माइनस करेंगे तो परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन आ जाएगा ना, तो ए में से यही वेक्टर माइनस कर दो, दैट इज ए डॉट बी बाई मॉड बी का स्क्वायर इंटू बी वेक्टर, ये हो गया परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन। क्या ये सारी चीजें समझ में आ रही है बताओ? प्रोजेक्शन वेक्टर भी आप निकाल लेंगे ए का बी के अलॉन्ग, हाँ है ना, प्रोजेक्शन लेंथ भी निकाल लेंगे ए की बी के अलॉन्ग, परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन वेक्टर भी निकाल लेंगे ए का बी के अलॉन्ग। कहीं कोई डाउट या कंफ्यूजन आ रहा हो तो प्लीज मुझे बताएंगे, अदरवाइज मैं आगे बढ़ूंगा। बोलिए, देख लीजिए कोई डाउट या कंफ्यूजन आ, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है, मान लो लैम्डा है और म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो ए डॉट बी, बी डॉट सी और सी डॉट ए क्या है? बोलो भाई, जीरो। गुड, अब आपसे ये कहा गया है कि ए का ए प्लस बी प्लस सी से एंगल निकालना है, सही है ना? तो मान लेते हैं एंगल ऑफ ए प्लस बी प्लस सी विद एंगल फॉर ए प्लस बी प्लस सी विद ए बी एंड सी कितना है तीनों वेक्टर्स एंगल? 1 बाय रूट 3 आएगा सर। हाँ, ए बी एंड सी कितना आ रहा है? अल्फा बीटा गामा कह देते हैं, कह दिया ना? तो पहला एंगल अगर कॉस अल्फा निकालो तो कितना आएगा बताओ? तो आएगा ए डॉट ए प्लस बी प्लस सी भाई मॉड ए और साथ में मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। बोलो भाई, अच्छा मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी अगर हम निकालें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर मॉड सी स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ऑफ ए डॉट बी बी डॉट सी और सी डॉट ए। ध्यान रखिएगा इसका यूज कई बार डायरेक्ट होता है, yes, समझ रहे हो? ए प्लस बी प्लस सी के मॉडुलस का स्क्वायर जो है वो ये होता है, ठीक है ना? जहां जरूरत पड़ेगी वहां इसको यूज कर लेंगे। तो उस हिसाब से भाई ये क्या आ जाएगा? लैम्डा स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर, तो 3 लैम्डा स्क्वायर मतलब रूट 3 लैम्डा आ जाएगा ना। अब ए डॉट ए कितना हो जाएगा? लैम्डा स्क्वायर, बोलो, और ये लैम्डा इंटू रूट 3 लैम्डा, तो ये 1 बाई रूट 3 आ जाएगा। सेम एज कॉस बीटा कितना आएगा? 1 बाई रूट 3, बस यही हमको प्रूव करना था। समझ गए कि नहीं बताओ? आई कैप का कंपोनेंट आपको चाहिए वो भी इसकी डायरेक्शन में, तो सीधा आंसर क्या होगा? आई कैप आई कैप प्लस जे कैप प्लस टू के कैप डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ दिस मतलब 1 + 1 + 4। आंसर 1/√6 आ रहा है कि नहीं? यस सर। कोई कंफ्यूजन? डन है, समझ रहे होंगे ये चीज? तो बोलिए, गुड। इसके बाद डॉट प्रोडक्ट में अगली चीज, जैसे हाँ ये भी सही है, ये क्वेश्चन भी कर लो, इसमें दो चीजें सीखने वाली हैं, वो बता देता हूँ। इस टाइप के क्वेश्चन में दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो एक बार देख लो। हाँ, जैसे आपको ए प्लस बी प्लस सी जीरो दिया हुआ है, ए बी सी तीनों का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। पहला आपसे सिग्मा ए डॉट बी पूछा गया, सिग्मा ए डॉट बी समझते हो ना? बोलो सर। ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी सॉरी प्लस सी डॉट ए, समझ रहे हो कि नहीं? कैसे निकालेंगे? तो अभी थोड़ी देर पहले आपने किया ना कि भाई ए प्लस बी प्लस सी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो जीरो ही होगा, इसके स्क्वायर का मैग्नीट्यूड भी जीरो होगा। इसका मतलब मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस मॉड सी स्क्वायर कितना होगा? माइनस टू टाइम्स ऑफ ए डॉट बी बी डॉट सी और सी डॉट ए, होगा कि नहीं होगा बताओ? अब ये सारा दिया हुआ है ना, 9 प्लस कितना 25 प्लस 49 और बाई 2 विद अ माइनस साइन, यही किसके बराबर होगा? सिग्मा ए डॉट बी के, होगा कि नहीं होगा? कितना आंसर आ रहा है? 83/2 80 माइनस का ना, नहीं सर, 2 डिवाइडेड बाय 2 83/2 आ रहा है, समझ गए होगे? चलो, अब अगर आपको ए बी सी का एडिशन रिलेशन दिया है और आपको किन्हीं दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना हो, ध्यान देना है कॉन्सेप्ट, एबीसी का एडिशन में कोई रिलेशन दिया और हमें कोई दो वेक्टर के बीच का कॉन्सेप्ट निकालना हो, तो हम सिंपल क्या करते हैं?
दो वेक्टर जिनके बीच का एंगल निकालना है क्योंकि उनका डॉट प्रोडक्ट चाहिए, तो ऑब्वियसली उनका मैग्नीट्यूड लेंगे तभी डॉट प्रोडक्ट पर जा पाएंगे, इसको माइनस सी कर देते हैं और दोनों साइड मैग्नीट्यूड अगर हम ले लें तो ये इसके बराबर होगा कि नहीं बताओ? अरे हाँ है ना, अब दोनों साइड स्क्वायर कर दें तो ये क्या होगा, मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ऑफ ए डॉट बी, और ये मॉड सी स्क्वायर होगा कि नहीं होगा बताओ? अब अगर एंगल जो है वो ए और बी के बीच का थीटा है तो हम कॉस थीटा का रिलेशन क्या लिख सकते हैं बताओ? डॉट बी अपॉन मॉड ए इनटू मॉड बी, मॉड सी स्क्वायर माइनस मॉड ए स्क्वायर माइनस मॉड बी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई टू टाइम्स ऑफ मॉड ए मॉड बी, लिख सकते हो कि नहीं? यस सर। अब सारी वैल्यूज उठा के बस आपको रखनी थी, कर लेंगे कि नहीं? तो 49 माइनस 9 माइनस 25 डिवाइडेड बाय 2 इनटू 3 इनटू 5, बोलो भाई क्या आ रहा है कॉस थीटा? हाफ, देखो यस सर 60 डिग्री। तो थीटा कितना आ गया? 5/3 डिग्री। कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ। अब यहीं पे अगर बी और सी के बीच का एंगल पूछा गया होता तो बी और सी को एक तरफ रखते, बाकी हाँ कहीं भी कोई, जैसे यहीं पे 2a प्लस बी माइनस सी दिया होता और फिर a और b के बीच का एंगल पूछा गया होता तो भी a और b को वाले पोर्शन को एक तरफ रखते, c को दूसरी तरफ रखते और सीधा सिंपलीफाई कर देते। बात समझ में आ रही है कि नहीं बता? बोलिए भाई, सिंपल सी बात है, दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसा है? ऑब्ट्यूज है, तो सीधा डॉट प्रोडक्ट क्या कर रहे हैं दोनों का? लेस देन जीरो। तो इसका मतलब सी एक्स स्क्वायर माइनस 12 Yes, sir. और माइनस का 6cx लेस देन 0। इसका मतलब cx स्क्वायर माइनस 6cx माइनस 12 लेस देन 0 होगा, और फॉर ऑल x, यही तो है। अच्छा, ये लेस देन 0 कब होगा बताओ? पहली चीज c लेस देन 0 होना चाहिए, और d भी नेगेटिव हो तभी तो ऐसा होगा। d नेगेटिव होने का मतलब 36c स्क्वायर प्लस 48C less than 0 होना चाहिए। इसका मतलब C अगर हम यहाँ से क्या कॉमन करें, 12C कॉमन करें, 12C तो बचेगा 3C plus 4 less than 0 plus 4। हाँ, इसका मतलब C कहाँ से कहाँ होना चाहिए बताओ? माइनस इनफाइनाइट से माइनस 4/3 यूनियन 0 से इनफाइनाइट, दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो आंसर क्या आएगा? माइनस इनफाइनाइट से माइनस 4/3, चेक कर लो फिर बताओ, क्योंकि सी तो नेगेटिव होना चाहिए ना, एक्स स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट। यस सर, यस। तो आंसर आ गया माइनस इनफिनिट से माइनस 4/3। समझ में आ गया होगा सबको? बोलिए। अच्छा, ये इनइक्वालिटी गलत कर दी ना मैंने। माइनस 4/3 यहाँ से क्या आएगा, सी की वैल्यू आ रही है जीरो, सॉरी माइनस 4/3 से जीरो, दो क्रिटिकल पॉइंट, माइनस 4/3 से जीरो, तो सी का आंसर क्या आ जाएगा, माइनस 4/3 से जीरो। अभी ठीक है तो टाइप की सिचुएशन में आप क्या करोगे, देखो पहले है b1 इज पैरेलल टू a, तो आपने कल की क्लास में पढ़ा था ना, कोई वेक्टर पैरेलल है तो उसको क्या ले लोगे, लैम्डा टाइम्स ऑफ a। अच्छा, b2 और a कैसे हैं, परपेंडिकुलर, तो इसका मतलब b2 वेक्टर और a का डॉट क्या होगा, जीरो। अच्छा, b वेक्टर कैसे लिखा हुआ है, b1 plus b2, तो अगर यहां से आप b2 वेक्टर को देखो तो क्या लिख सकते हो बताओ, b माइनस लैम्डा a वेक्टर लिख सकते हो कि नहीं बताओ? यस सर। तो इसका मतलब 2i plus j minus 3k minus lambda times of 3i minus j लिख सकते हो कि नहीं? Yes sir। इसका मतलब 2 minus 3 lambda i और क्या 1 plus lambda into j और minus 3k। अच्छा, b2 vector जो है वो a के perpendicular है, तो b2 dot a क्या होगा, 0। जैसे ही b2 dot a 0 करोगे तो 3 इंटू 2 माइनस 3 लैम्डा और माइनस 1 प्लस लैम्डा आ जाएगा 0। यहां से आएगा 6 माइनस 9 लैम्डा, कैलकुलेशन देखना, माइनस 1 माइनस लैम्डा इज 0, इसका मतलब 10 लैम्डा इज 5, तो लैम्डा हाफ आ रहा है क्या, चेक करो। अरे बोलो सर, अगर लैम्डा हाफ आ रहा है तो b1 वेक्टर कितना हो गया, 3i माइनस j बाय 2, ये बात समझ में आई सबको? और b2 वेक्टर कितना हो गया बताओ, बोलो, 2 माइनस 3/2 मतलब 5/2,
प्लस थ्री बाई टू जे और माइनस थ्री के, चेक करो जरा सही लिखा है कि नहीं। हाँ है ना, तो पैरेलल मतलब लैम्डा वाला और बी टू परपेंडिकुलर, तो बी बी को आपने बी वन प्लस बी टू लिखा, यहाँ से बी टू की वैल्यू निकाल लेंगे। कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइए, समझ गए कि नहीं। एनी वेक्टर आर, ठीक है, कहाँ पे, इन मतलब कहीं भी ले लो, इन थ्री डायमेंशन स्पेस ले लो, रिटन एज आर वेक्टर लिखा जा सकता है आर डॉट आई कैप इंटू आई वेक्टर आर डॉट जे कैप इंटू जे एंड वेक्टर आर डॉट के कैप इंटू के, जहां पे आर वेक्टर आर डॉट आई कैप क्या है, आर डॉट जे कैप क्या है, आर डॉट के कैप क्या है, आर दी प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर आर इन डायरेक्शन आई कैप जे कैप एंड के कैप, मतलब एक्स वाई जेड के अलांग उनके प्रोजेक्शन है, समझ गए कि नहीं बताओ। तो अगर कोई वेक्टर आपने आर लिखा है तो उसका प्रोजेक्शन सिंपल यही हो गया, बोलो भाई समझ गए कि नहीं। ऑब्वियसली ही अगर आप थ्री डायमेंशन स्पेस पे किसी वेक्टर आर को लिख रहे हो, सपोज ये आपने एक वेक्टर आर लिखा और इसका आई कैप के अलांग प्रोजेक्शन आपको निकालना है, तो ऑब्वियसली आई कैप पे आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे कि नहीं बताओ भाई। तो ये जो प्रोजेक्शन लेंथ आएगी वो आर डॉट आई कैप आएगी कि नहीं आएगी बताओ, क्या ये बात आप समझ पा रहे हो कि नहीं, बोलो बोलिए। ऐसे ही जब आप जे पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो जो प्रोजेक्शन लेंथ आएगी वो कितनी आएगी बताओ, आर डॉट जे कैप आएगी कि नहीं, बोलो यार। और ऐसे अगर इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो प्रोजेक्शन लेंथ कितनी आएगी, आर डॉट के कैप आएगी कि नहीं, क्या ये मेरी सारी बात आप लोगों को समझ में आ रही, मुद्दे की बात समझाओ, आर डॉट आई आर डॉट जे आर डॉट के, देखिए कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइए। अरे हाँ या ना, बोलो भाई कोई कंफ्यूजन या डाउट आ रहा हो तो मुझे बताइए, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई कि नहीं आ गई भाई, प्रोजेक्शन वेक्टर के हिसाब से बताइए। यस सर आ गई। ठीक है, तो वो एक्स वाई जेड तीनों के लांग अगर आपको प्रोजेक्शन वेक्टर निकालना है तो ये उसी का तरीका हो गया। किसी वेक्टर आर को इन जनरल आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, बोलिए, यानी अगर कोई वेक्टर आपके सामने लिखा हुआ है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, इसका मतलब ये एक्स क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ आर अलोंग एक्स एक्सिस, समझ रहे हो कि नहीं। ऐसे ये वाई क्या है, प्रोजेक्शन अलोंग, बोलो y एक्सिस, समझ रहे हैं सब लोग। और ऐसे ये z क्या है, प्रोजेक्शन अलोंग z एक्सिस, ये बात समझ में आई सबको। तो i कैप j कैप k कैप के अलोंग जो उनका जो कोफिशिएंट है वो आपको प्रोजेक्शन रिप्रेजेंट करेगा x के अलोंग y के अलोंग और z के अलोंग, सही है ना। क्वेश्चन समझ रहे हैं सब लोग कि नहीं बताओ, बोलिए भाई। मतलब इंसिडेंट रे ये आई, इसके अलोंग यूनिट वेक्टर क्या दिया हुआ है, वी कैप, यहां से रिफ्लेक्ट हो गया, इसके अलोंग यूनिट वेक्टर क्या दिया हुआ है, डब्लू कैप, और ये नॉर्मल है, ठीक है ना, इसके अलोंग यूनिट वेक्टर क्या दिया हुआ है, ए कैप। तो आपको W की वैल्यू U और A के टर्म में लिखनी है, यही तो है सिचुएशन बताओ। Yes, sir. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका प्रोजेक्शन वेक्टर लिख लें। अरे हाँ या ना, तो U का इसकी डायरेक्शन में प्रोजेक्शन वेक्टर लिखोगे, क्या लिखोगे बताओ, U का इसकी डायरेक्शन में प्रोजेक्शन लिखोगे, क्या लिखोगे बोलो। तो अगर मैं इसको O कह दूं, इस पॉइंट को A कह दूं, इसको B कह दूं, अगर मैं आपसे पूछूं OA वेक्टर क्या होगा,
तो होगा यू कैप डॉट माइनस ए कैप, या माइनस यू कैप कर लेते, दोनों रास्ते माइनस यू कर लेते, माइनस यू कैप डॉट ए कैप डिवाइडेड बाई, भाई ए कैप तो है ही ना, डिवाइडेड बाई मॉड ए कैप करोगे तो वन ही हो जाएगा. Yes, sir. क्या ये माइनस वी कैप डॉट ए कैप आ जाएगा, देखो sir. है ना, और इसमें इसी की डायरेक्शन से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई, नहीं समझे, तभी तो वेक्टर आएगा ना, पूरी बात समझे सब लोग, ये डायरेक्शन से क्यों मल्टीप्लाई किया, ये बात समझ में आ गई. अब आपने ओए वेक्टर निकाल लिया है, निकलना है, निकाल लिया है कि नहीं बताओ, तो बताओ अगर ओए वेक्टर हमें मिल गया है तो क्या हम ए बी वेक्टर लिख सकते हैं, बोलो ए बी वेक्टर लिख सकते हैं कि नहीं ये बताओ. यस सर. कैसे, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, तो ये हो जाएगा बीओ वेक्टर प्लस ओए वेक्टर, क्या आएगा बताओ, ये वी वेक्टर माइनस वी डॉट वी कैप डॉट ए कैप और साथ में इनटू ए कैप, यही आएगा कि नहीं बताओ. यस सर. अच्छा ध्यान से देखना, चूंकि रिफ्लेक्शन है तो जो ये वेक्टर होगा वही इक्वल मैग्नीट्यूड वाला ये वेक्टर होगा, बट डायरेक्शन उसकी अपोजिट हो जाएगी. तो भाई जो ये वेक्टर होगा, आया ना, मैग्नीट्यूड वाइज यही वेक्टर सेम होगा बट डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी कि नहीं, बोलो. तो अगर हम इस वेक्टर को कह दें AD है, तो AD वेक्टर हमारे लिए कितना होगा, क्विक क्या होगा AD वेक्टर हमारे लिए, जल्दी बताओ, क्या वो माइनस ऑफ AB वेक्टर होगा, हाँ या ना. तो क्या हम उसको V कैप डॉट A कैप, A कैप माइनस V कैप बोल सकते हैं, बोलो, अरे हाँ या ना, ये बात समझ में आती है सबको कि नहीं बताओ, बोलो, यहां तक ओके हैं सब लोग, बोलिए भाई, क्या यहां तक आप लोग ओके हो, बोलो. यस सर. कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो प्लीज मुझे बता दो जल्दी से. बोलो लास्ट वाला एक्सप्रेशन बता दी, जो ये वेक्टर है ऐसे निकाल लिया, हाँ या ना, वही ये वेक्टर होगा कि नहीं, मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम ही रहेगा ना, सोच के जवाब दो. हाँ यस सर. होगा, सोच लो आराम से फिर बताओ, सोच लीजिए आराम से फिर बताइए, देख लीजिए आराम से, बोलिए भाई ये वाला वेक्टर क्लियर हो गया, जो ये होगा वही ये होगा, हाँ या ना, इसके बाद सीधा ये वेक्टर आपको निकालना है, तो बस दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इक्वल टू डब्ल्यू वेक्टर, बस वही उठा के आपने, ओके बोलिए. यस सर. क्या वेक्टर का बस वो देख लो, सपोज इसमें क्या है साइन एक्स साइन वाई सब कुछ दिया हो, तो हम इसमें एक वेक्टर ए ले लेते हैं, सही है ना, और वो वेक्टर लेते हैं टू आई प्लस थ्री जे प्लस सिक्स के, ध्यान देना, एक वेक्टर बी ले लेते हैं, दैट इज साइन एक्स साइन वाई इंटू आई कैप कॉस वाई इंटू जे कैप और कॉस एक्स साइन वाई इंटू के कैप, डन. अच्छा तो अब ये वाला पोर्शन क्या लिखा हुआ है, ए डॉट बी लिखा है कि नहीं, बोलो. यस. गुड. तो ए डॉट बी होता क्या है, मॉड ए मॉड बी इंटू कॉस थीटा, होता है कि नहीं बताओ. अच्छा अगर आप मॉड ए करोगे तो कितना आएगा, बोलो, सेवन. मॉड बी करोगे तो कितना आएगा, साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, तो इन दोनों से साइन स्क्वायर वाई कॉमन करोगे वन, कॉस स्क्वायर वन, तो ये वन ही आ जाएगा, बोलो. इसका मतलब हमें दिया हुआ है ए डॉट बी इक्वल टू सेवन, बोलिए, तो ये आ जाएगा मॉड ए मॉड बी इंटू कॉस थीटा, इसका मतलब कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, वन, तो थीटा जीरो आ गया, इसका मतलब ए एंड बी आर पैरेलल वेक्टर हो गए कि नहीं, बोलो. और अगर ए और बी पैरेलल हो गए तो ए को लैम्डा टाइम्स ऑफ बी लिख सकते हैं, इसका मतलब साइन एक्स साइन वाई बाई टू कॉस वाई बाई थ्री
और cos x sin y by 6 सेम होगा कि नहीं बताओ, बोलो, समझे? ये समझे कि पैरेलल वेक्टर हो गए, a इक्वल टू लैम्डा b ना। अरे बोलो भाई, a को लैम्डा टाइम्स ऑफ b लिखोगे ना तो इनके कोफिशिएंट का रेशियो तो सेम होगा ना। अरे ये पता है कि नहीं? यस सर। कि अगर एक वेक्टर a ले लें, a1i plus b1j plus c1k, और एक वेक्टर b ले लो a2i plus b2j plus c2k, और वेक्टर a पैरेलल हो वेक्टर b के, तो कंडीशन क्या होती है? a1 by a2 equal to b1 by b2 equal to c1 by c2, या वेक्टर a equal to lambda times of b, यही तो मतलब होता है ना, बोलो। Yes, हाँ, जैसे आप पैरेलल की कंडीशन लगाएंगे तुरंत आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, बोलो, इक्वल कर दो, एक बार इन दोनों को इक्वल करो तो यहाँ से 10x कितना आ जाएगा, 2 by 6 मतलब 1 by 3 आ गया कि नहीं, बोलो। अच्छा एक बार इन दोनों को इक्वल कर दो तो 10y कितना आ जाएगा बताओ, 10y आ जाएगा 2 times of sec x, बोलो, यानी कि 2 times of root under sec x का मतलब 1 plus 10 square x, क्या बोलिए, तो 2 root 10 by 3 आ जाएगा। अब 10x और 10y दोनों मिल गए, हमें क्या चाहिए, 10 square x plus 2 10 square y, कर लोगे कि नहीं, plus 2 10 square y, तो आंसर क्या आ रहा है, 1 by 9 plus 40 by 9, तो 41 by 9 is the answer। समझ में आया तरीका कि नहीं बताओ सर? 80 by 9 आएगा कैसे, ये 80 by 9 होगा, 2 10 square y, अच्छा 2 भी है ना साइड में, ओके 81 by 9 आ जाएगा, मतलब 9 ऐसा, ठीक है तो यस सर, तरीका समझे कि नहीं, पैरेलल वाली कंडीशन क्यों लगा पाए, समझ में आया? क्योंकि ये a डॉट दो वेक्टर का प्रोडक्ट दिया होता, कैसे दो वेक्टर थे वो हमने बनाए, उनका प्रोडक्ट किया, इसे वैसे तो इसे हम कॉची इनइक्वालिटी कहते हैं, तो बस ये कॉची इनइक्वालिटी के हिसाब से काम हुआ है, ठीक है ना, बट आप नाम में मत जाओ, आप बस ये समझो कि अगर a डॉट b जो है वो a डॉट b मॉड a मॉड b के बराबर है तो वो दोनों वेक्टर पैरेलल होंगे, वो दोनों वेक्टर पैरेलल होंगे, ठीक है, समझ गए आप? समझ गए भाई, फिर नहीं कर सकता, सही है ना, बोलिए। तो देखो एबीसी सबका मैग्नीट्यूड वन दिया हुआ है, तो मॉड ए मॉड बी और मॉड सी हमेशा वन होगा कि नहीं बताओ? अच्छा हम कह सकते हैं कि एंगल बिटवीन ए एंड बी, इसको हम कहते हैं अल्फा, बी एंड सी इसको हम कहते हैं बीटा, और सी एंड ए इसको हम कह देते हैं गामा, मान सकते हैं कि नहीं बताओ? तो अगर हम ए माइनस बी का स्क्वायर करें, b माइनस सी का स्क्वायर करें और c माइनस a के मॉडुलस का स्क्वायर करें तो 2 टाइम्स ऑफ मॉड a स्क्वायर, 2 टाइम्स ऑफ मॉड b स्क्वायर, 2 टाइम्स ऑफ मॉड c स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा आएगा, cos अल्फा cos बीटा प्लस cos गामा आएगा कि नहीं, हां या ना में जवाब दो। अच्छा ये सब 1 दिए हुए हैं सर, तो ये वैल्यू 6 हो जाएगी, माइनस 2 cos alpha plus cos beta plus cos gamma हो गया। अब हमको पता है, ये trigonometry में प्रूफ कर लेंगे, we know that कि cos alpha plus cos beta plus cos gamma जो है वो हमेशा minus 3 by 2 से छोटा रहता है, अगर हम alpha beta gamma को 0 से pi by 2 के बीच में ले लें, बोलो। Yes, sir, अगर alpha beta gamma 0 से, अच्छा क्योंकि alpha beta gamma जो है वो किसके बीच के एंगल है बताओ, वेक्टर्स के, तो इनकी वैल्यू 0 से पाई के बीच में होगी, और अगर अल्फा बीटा गामा 0 से पाई के बीच में है तो तीनों का जो सम होता है माइनस 3 बाई 2 मैक्स होता है, तो बताओ इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, बोलो, तो जो है मैक्स वैल्यू ऑफ ए डॉट मतलब भाई ए माइनस बी प्लस b माइनस सी और प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, तो ये किससे एक्सीड नहीं कर सकता, 9, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, बोलिए, यानी हमने क्या ध्यान रखना है,
कि वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर थ्री यूनिट वेक्टर्स, देन ए माइनस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस सी स्क्वायर प्लस सी माइनस ए स्क्वायर ऑलवेज लेस देन आर इक्वल टू नाइन, ये ध्यान रखने वाली बात है। अच्छा, अगर ये नाइन के इक्वल है तो इसका मतलब मैक्सिमम है ना, बोलो। यस सर। यानी कि अगर किसी क्वेश्चन में ये कह दे कि ए माइनस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस सी स्क्वायर प्लस सी माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू नाइन है, तो इसका मतलब क्या है, ओनली वेन एंगल बिटवीन ईच पेयर ऑफ वेक्टर्स इज टू पाई बाई थ्री। ऑब्वियसली कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा सब माइनस हाफ माइनस हाफ माइनस हाफ हो जाएंगे ना, तो उस केस में एंगल बिटवीन ईच पेयर कितना होगा, बोलो। उस केस में एंगल बिटवीन ईच पेयर कितना हो जाएगा, 2π/3। क्या ये बात समझ में आई? तब आज के बाद ये रिजल्ट एकदम दिमाग में सेट होना चाहिए आपके, इसमें कोई बात इधर उधर करने की नहीं, सीधा आपको अगर ये 9 के बराबर दिया है, 9 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता, और अगर ये 9 के इक्वल दिया हुआ है तो इसका मतलब सबके पेयर के बीच का एंगल आपको कितना ले लेना है, 120, और इसके बाद सीधा 120 एंगल लेके कैलकुलेट कर देना। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको, बोलो बोलो। इसका मतलब ए डॉट बी, बी डॉट सी और सी डॉट ए कितना हो गया, माइनस हाफ हो गया कि नहीं। और आपको मैंने अभी बताया था किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का अगर स्क्वायर चाहिए तो उसी वेक्टर को आप दो बार मल्टीप्लाई करके उसका रूट ले लेते हैं, ये कितना आ जाएगा, 4 मॉड ए स्क्वायर, फिर 25 बी, फिर 25 सी, यहाँ तक तो ओके होगा, फिर प्लस का 20 ए डॉट बी, फिर प्लस का 50 बी डॉट सी, देखते जाइए, समझ रहे हो कि नहीं, और प्लस का 20 ए डॉट सी, अरे हाँ है ना, अब सारी वैल्यूज उठा के रख दीजिए, तो 54 माइनस का कितना आ गया, ये 45, देखो बोलो भाई, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, 9, बोलो। तो यहां से 2 टाइम्स ऑफ ए, 5 टाइम्स ऑफ बी, 5 टाइम्स ऑफ सी जो है वो 3 आ जाएगा। क्या ये बात सभी को समझ में आ रही है, देखो कैलकुलेशन ठीक है ना, यस समझ गए कि नहीं भाई। तो ये 9 होते ही हमने क्या देखा कि हर पेयर के बीच का एंगल 120 यूनिट वेक्टर है, तो ए डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट सी सब कितने लेंगे, माइनस हाफ, बस वही माइनस हाफ रख देंगे। और किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो बस उसी वेक्टर को उसी से मल्टीप्लाई करके उसी का रूट ले लेंगे, नहीं समझे, विद बी एंड सी, मतलब कहीं किसी क्वेश्चन में लिखा हो एनी वेक्टर सी इज कोप्लेनर विद ए एंड बी, या ऐसा लिखा हो लाई ऑन द प्लेन कंटेनिंग वेक्टर ए एंड बी, तो आप तुरंत वेक्टर सी को एज्यूम करोगे ए प्लस लैम्डा बी, ये ध्यान रखिएगा, वहां पे आप एक्स वन वाई वन में कैलकुलेशन नहीं करते, तुरंत आप वेक्टर सी को क्या एज्यूम करते हैं, ए प्लस लैम्डा बी, उसके बाद जो लैम्डा निकालने के लिए कंडीशन दी होती है वो कंडीशन लगा के आप आगे क्वेश्चन प्रोसीड करते हैं, ओके। इसको लैम्डा टाइम्स ए प्लस बी नहीं लिख सकते? हाँ वो भी कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लैम्डा यहाँ ले लो या आप लैम्डा म्यू ले लो, नहीं समझे, वो तो सारे कॉन्स्टेंट है, आपको ए और बी के लीनियर रिलेशन में लिखना है, दैट्स इट। नहीं सर, हम कह रहे हैं लैम्डा टाइम्स ए प्लस बी, मतलब लैम्डा बाहर हुए, ए प्लस बी है। हाँ ये भी अज्यूम कर सकते हो, चलेगा, ये भी अज्यूम कर सकते हो, मतलब इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बट लैम्डा टाइम्स ऑफ ए प्लस बी अज्यूम करने का एक ही ड्रॉबैक है कि ये जो वेक्टर होता है ना, ये बेसिकली ए और बी के एंगल बाइसेक्टर के अलोंग वेक्टर होता है। हाँ ये ना, और ए प्लस लैम्डा बी अज्यूम करने का बेनिफिट ये है कि कोई भी जनरल वेक्टर हो सकता है, तो अजम्पशन ए प्लस लैम्डा बी ही लेना, समझ में आया, इसमें एक स्पेसिफिक वेक्टर आता तो वो भी कोप्लेनर की कंडीशन पे, बट ये एक स्पेसिफिक वेक्टर होता है, समझ में, और ये कोई भी जनरल वेक्टर इस प्लेन पे हो सकता है, समझे? यस सर।
तो यही एज्यूम करना, आप ऐसे भी एज्यूम कर सकते हो चलेगा, आप ऐसे भी एज्यूम कर सकते हो, बट अगर एक कंडीशन दी है तो एक ही वेरिएबल लगाइएगा, अगर दो कंडीशन दी है तो दो वेरिएबल लगा दीजिएगा। ओके समझ गए, आगे बढ़ूं? चलिए अब हम बात करने जा रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट की। या फिर ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स। चलिए तो जैसे अभी हमने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था वैसे ही क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ लेते हैं। तो अगर दो वेक्टर है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी जो होता है वो होता है मॉड ए मॉड बी इनटू साइन थीटा। तो इसमें एक वेक्टर आ जाता है दैट इज एन कैप। एन कैप क्या होता है? यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन। एन कैप का मतलब क्या होता है? यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग वेक्टर ए एंड बी, मतलब ए और बी वेक्टर को कंटेन करने वाले प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर। जैसे अगर ये वेक्टर है, ये ए है, ये बी है, तो इसके परपेंडिकुलर वेक्टर ये, अगर ये ए है और ये बी है तो इसके परपेंडिकुलर वेक्टर एन कैप होगा। मेरी बात समझ गए? तो ए क्रॉस बी का ये मतलब। अच्छा अब इसमें पहला जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट आता है वो आता है अगर हमें मॉड लेना हो ए क्रॉस बी, तो वो हो जाएगा मॉड ए मॉड बी और मॉड ऑफ साइन थीटा। अच्छा चूंकि आप थीटा तो एंगल बिटवीन दी वेक्टर्स ही है, थीटा क्या है? एंगल बिटवीन वेक्टर है, और आपने पढ़ा है थीटा की वैल्यू जीरो से पाई के बीच में ही होती है। बोलो भाई, तो यहां से अगर आप जैसे ही देखेंगे बोलो तो मॉडुलस जो है वो यही निकल के आ जाएगा। ये बात समझ गए कि नहीं? क्योंकि एन कैप का अगर आप मॉड लोगे तो यूनिट वेक्टर है ना, वो तो वन ही हो जाएगा। बोलिए भाई, यहां तक समझ में आया कि नहीं सबको? बताओ क्लियर है? बोलो। अच्छा अब थीटा के हिसाब से अगर चलो तो सिर्फ दो एनालिसिस है इसमें। एक थीटा अगर जीरो डिग्री है, सही है ना, तो साइन थीटा की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो जो ए कार्टेशियन बी है वो जीरो आएगा। दिखा? तो अगर ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो वेक्टर है तो इसका मतलब ए एंड बी कैसे हैं? बोलो, ए एंड बी आर पैरेलल वेक्टर। तो अगर दो वेक्टर ए और बी हैं और उनका क्रॉस प्रोडक्ट कभी भी जीरो है तो दोनों वेक्टर कैसे होते हैं भाई? पैरेलल। इसका मतलब अगर दो इक्वल वेक्टर्स हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा जीरो होगा कि नहीं? यानी कि दो इक्वल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा? जीरो। बोलिए। और अगर दो वेक्टर आपके सामने लिखे हैं और उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो लिखा है तो इसका मतलब दोनों वेक्टर पैरेलल होंगे। और ये तो आपने पढ़ाई ना कि अगर दो वेक्टर पैरेलल होंगे तो आप किसी एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के टर्म में लिख ही सकते हो, नहीं क्या? बोलिए, अगर दो वेक्टर पैरेलल होंगे तो आप एक को दूसरे के टर्म में लिख सकते हो कि नहीं? बोलिए भाई, डन हो गया यहाँ तक? कोई कंफ्यूजन? आगे बढ़े हम लोग। तो पहली जो इन्फॉर्मेशन जिस पर बेस क्वेश्चन बनते हैं वो ये है कि अगर कभी भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट आपके सामने जीरो वेक्टर आ गया तो तुरंत आप एक वेक्टर को दूसरे के टर्म में अज्यूम कर लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, कई जगह यूज होता है। और दो इक्वल वेक्टर्स हैं तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा जीरो होगा, सही है ना? अच्छा अब अगर मैं आपसे कहूं कि एंगल बिटवीन वेक्टर इज थीटा, वेक्टर ए एंड बी इज थीटा, तो आप साइन थीटा क्या लिख सकते हो बताओ? ए कार्टेशियन बी का मॉड अपॉन मॉडुलस ऑफ मॉड ए मॉड बी, याद आया अभी आपने लिखा है? बोलो। तो हम ये कह सकते हैं कि यहीं पे अभी थोड़ी देर पहले हमने कॉस थीटा भी लिखा था, ए डॉट बी बाई मॉड ए मॉड बी। अगर हम दोनों को स्क्वायर करके ऐड करें तो एक रिजल्ट हमारे पास आता है ए कार्टेशियन बी का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी का स्क्वायर इक्वल टू मॉड ए स्क्वायर इनटू मॉड बी स्क्वायर। ये रिजल्ट है। अगर आपको ए डॉट बी और मॉड ए मॉड बी पता है तो आप ए क्रॉस बी का मॉडुलस डायरेक्ट निकाल सकते। ये बात समझ में आ रही है सबको?
बोलिए रिजल्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं, कोई कंफ्यूजन आ रहा है तो बताइए। बोलिए ये रिजल्ट क्लियर हुआ? यस सर। इसमें कोई डाउट आ रहा है तो बताइए। ठीक है, अच्छा इसके बाद इम्पोर्टेंट कि अगर आपने कहा कि एक प्लेन है आपके पास, ठीक है ना, और उस प्लेन पर दो वेक्टर हैं ए और एक वेक्टर बी है, सही है ना, एक वेक्टर ए और बी है, तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर क्या होगा? बोलो, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग क्या, वेक्टर ए एंड बी, तो वो हमेशा क्या आएगा, ए कार्टेशियन बी बाय ए, हाँ या ना बोलो, बोलिए। और ऐसे कितने वेक्टर्स होंगे बताओ, ऐसे कितने वेक्टर होंगे, दो होंगे कि नहीं, बोलो बोलो भाई, ये बात समझ में आ रहा कि नहीं। अच्छा ज्योमेट्रिकली सोचो, ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी बोथ, ये बात समझे कि नहीं बताओ, ए कार्टेशियन बी वेक्टर जो है वो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होता है कि नहीं होता है, इसमें अगर किसी को डाउट आ रहा हो तो बताओ। अच्छा ये स्टेटमेंट हमने पढ़ा, पढ़ने के बाद लगा कि यार ये तो बहुत आसान सी चीज थी, इसका तो कोई मतलब नहीं हुआ। अब ये क्वेश्चन में ऐसे आता है, लेट अ वेक्टर सी सच दैट सी डॉट ए सी डॉट बी इज जीरो, देन सी वेक्टर हम क्या ले सकते हैं, लैम्डा टाइम्स ऑफ ए कार्टेशियन बी ले सकते हैं कि नहीं, सोच के बताओ। बोलो भाई, समझे कि नहीं ये बात पूरी, बताओ ये बात समझ में आई, कैसे लिख दी मैंने भाई, सी एक ऐसा वेक्टर है जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है, दिख रहा है, सी का ए से भी डॉट जीरो है, बी से भी डॉट जीरो है, इसका मतलब सी वेक्टर कहाँ होगा, ए और बी वाले प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, और कोई वेक्टर अगर ए और बी वाले प्लेन के परपेंडिकुलर है तो उसके अलॉन्ग यूनिट वेक्टर ये लिया जा सकता है कि नहीं, अरे बोलो, तो ऑब्वियसली लैम्डा टाइम्स ऑफ ए क्रॉस बी एक वेक्टर लिया जा सकता है, ये बात समझ में आ रही है सबको कि नहीं, बताओ, बोलिए क्रॉस प्रोडक्ट की ये इन्फॉर्मेशन क्लियर हुई, कोई डाउट आ रहा है इसमें? इसमें आप ऐसा मत करने लगे कि ए वेक्टर एज्यूम कर लें बी वेक्टर एज्यूम कर लें, ना, अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो ये दोनों वेक्टर सेम लिखें, बोलो हाँ या ना। अच्छा ये तो बताने की जरूरत है नहीं कि ए कार्टेशियन जो ए क्रॉस बी होता है वो माइनस ऑफ बी क्रॉस ए होता है, ये तो ओके हो इस बात से, पहली चीज। दूसरा, अगर हम वेक्टर ए को ले लें ए वन आई प्लस बी वन जे प्लस सी वन के, और वेक्टर बी को ले लें ए टू आई प्लस बी टू जे प्लस सी टू के, तो जो ए बी का क्रॉस होता है वो आता है आई कैप जे कैप के कैप इंटू ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू, ये ध्यान रखिएगा, समझ गए, अगर ए और बी दो हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा इस डिटरमिनेंट के फॉर्म से लिख दिया जाता है, क्यों ऐसा लिखा जाता है इसमें तो बताने की जरूरत नहीं है आपको, बोलिए क्यों ऐसा लिखा जाता है, आइडिया है ना आपको, ये समझ गए ना भाई, बोलिए, वो इसलिए लिखा जाता है क्योंकि आई कैप जे कैप और के कैप की अगर आप बात करोगे तो ये रहा आई कैप, ये रहा जे कैप और ये रहा के कैप, तो अगर आप ये तो अंडरस्टूड है कि आई क्रॉस आई करोगे जे क्रॉस जे करोगे के क्रॉस के करोगे तो जीरो ही आ जाएगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसके बाद अगर आप आई क्रॉस जे करोगे तो परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर के ले लेगा, जे क्रॉस के करोगे परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर आई ले लेगा, और के क्रॉस आई करोगे परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर जे ले लेगा, उसी के हेल्प से रिजल्ट लिखा गया है। ओके समझ गए कि नहीं ये रिजल्ट भाई, चलो आते हैं जल्दी। अब देखो ये दोनों वेक्टर सेम लिखे थे,
तो अगर हम इसको लिख दें 2i प्लस 3j प्लस 4k क्रॉस a, तो माइनस आ जाएगा, और इस माइनस को उठा के उधर ले आओ तो प्लस आ जाएगा, तो बन जाएगा 2i प्लस 3j प्लस 4k क्रॉस b इज जीरो। तो यहां से क्या आ गया बताओ, 2i प्लस 3j प्लस 4k अगर कॉमन करोगे तो क्रॉस a प्लस b वो आ गया, यानी इस वेक्टर और इस वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो है। इसका मतलब ये दोनों वेक्टर कैसे हो गए भाई, पैरेलल। तो हम a प्लस b वेक्टर को लैम्डा टाइम्स ऑफ 2i प्लस 3j प्लस 4k ले सकते हैं कि नहीं। अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड हमें कितना दिया हुआ है बोलो, कितना दिया हुआ है, रूट अंडर 4 प्लस 9 प्लस 16, ये हमें कितना दिया हुआ, रूट 29। तो क्या लैम्डा की वैल्यू 1 ले लें बोलो, अरे बोलो यार, हाँ या ना। इसका मतलब a प्लस b वेक्टर को आप क्या लिख सकते हो, प्लस माइनस 2i प्लस 3j प्लस 4k, समझ गए कि नहीं। अब आपसे क्या पूछा गया है, a प्लस b का डॉट आपको करना है किसके साथ, माइनस 7i प्लस 2j प्लस 3k के साथ, या तो प्लस वाला ले लो, हाँ या ना। तो माइनस 14 प्लस 6 प्लस 12, तो आपका आंसर कितना आ रहा है बताओ, 4। और अगर माइनस वाला ले लो बोलो, तो 14 माइनस 6 माइनस 12, तो आंसर कितना आ रहा है, माइनस 4। क्या है आंसर में, 4। समझ गए तरीका कि नहीं बताओ भाई, समझे कि नहीं बताओ भाई, ये वाली टेक्निक समझ में आई कि नहीं, मुद्दे की बात समझाओ। मतलब कि मैंने क्या कहा कि अगर एक वेक्टर सी आपको एज्यूम करना है ना, और ए एंड बी टू गिवन वेक्टर्स, टू गिवन वेक्टर्स, ए और बी आपको दो गिवन वेक्टर्स, और आपको एक वेक्टर सी एज्यूम करना है जो कि किस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, सी क्रॉस ए इक्वल टू सी क्रॉस बी। तो वेक्टर सी हमेशा लैम्डा टाइम्स ऑफ ए माइनस बी होगा, क्यों भाई, सी क्रॉस ए सी क्रॉस बी एक तरफ लिया है इक्वल टू जीरो वेक्टर, यहां से सी वेक्टर प्री मल्टीप्लाई है कॉमन आ गया, तो सी क्रॉस ए माइनस बी जीरो वेक्टर, यानी सी और ए माइनस बी पैरेलल हो गए, तो सी को लैम्डा टाइम्स ऑफ ए माइनस बी ले लोगे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, सी क्रॉस ए इक्वल टू बी क्रॉस ए है अब, और तो सी वेक्टर को लैम्डा ए प्लस बी लेंगे, क्यों, सी क्रॉस ए माइनस बी क्रॉस ए अब जीरो वेक्टर हो जाएगा, अब ए का प्री मल्टीप्लाई पोस्ट मल्टीप्लाई है, तो यानी सी माइनस बी क्रॉस ए जीरो हो गया, अब सी माइनस बी और ए पैरेलल हो गए, तो सी माइनस बी को लैम्डा ए ले सकते हैं, यानी सी को लैम्डा ए प्लस बी ले सकते हैं। ये दो एजम्पशन एकदम ध्यान रखिएगा, प्रोसेस समझ गए ना कि कहां पर क्या इक्वेशन होने से हमें क्या करना है। अब लैम्डा निकालने के लिए क्वेश्चन में कोई ना कोई कंडीशन दी होगी, वो कंडीशन लगा के आप लैम्डा निकाल लेंगे, लैम्डा निकालने के लिए क्वेश्चन में कोई भी कंडीशन दी होगी वो कंडीशन लगाएंगे, लैम्डा आराम से निकल आएगा। चलिए, तो कल की क्लास में फिर हम आगे बढ़ेंगे।